हे गाइस, कैसे हो आप सब? हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू एवरीवन। आई विश ये दिवाली आप सबके लिए काफ़ी अच्छी हो। आज हम एक लेसन करेंगे 10 स्ट्रमिंग पैटर्न्स, ठीक है, पॉसिबल जो 10 स्ट्रमिंग पैटर्न्स हैं गिटार पे, जिस पे हर एक गाना हो सकता है, हर कुछ, ठीक है। एंड देन आप अपने हिसाब से भी कोई भी स्ट्रमिंग पैटर्न बना सकते हैं, कोई भी, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपने कॉर्ड्स पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। कॉर्ड्स में क्या बजा रहा हूँ कोई टेंशन नहीं, आपने बस स्ट्रमिंग पे स्ट्रेस देना है कि क्या बज रही है, क्या बज सकती है और क्या हम बजा सकते हैं। तो लेसन ज़्यादा लंबा ना हो, इंटरेस्टिंग हो, इसलिए इतनी डिटेल में नहीं बताऊँगा, लेकिन फिर भी बता दूंगा जितना, जिससे आपका काम चल जाए। तो बस आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सीधे हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम जो स्ट्रमिंग पैटर्न ले रहे हैं, ठीक है, वो है डाउन स्ट्रोक्स ओनली, ठीक है। अब डाउन स्ट्रोक कुछ भी हो सकते हैं आपके हिसाब से, सिंपल हो सकते हैं ऐसे, ठीक है, या कोई रिदमिक वे में हो सकते हैं, पर्टिकुलर जो आप गाने के हिसाब से ले रहे हैं। मैं आपको एक सजेस्ट करता हूँ, ठीक है, या तो आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं डाउन स्ट्रोक लेने में, वो गाने के हिसाब से होता है कैसे चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, एक जैसे कोई भी आप कॉर्ड ले रहे हैं, ए माइनर, ई माइनर, जो भी ले रहे हैं, एक फुल स्ट्रोक, ठीक है, उस कॉर्ड पे, देन एक छोटा स्ट्रोक, देन एक फुल स्ट्रोक, देन एक छोटा स्ट्रोक, देन एक फुल स्ट्रोक, देन एक छोटा स्ट्रोक, ठीक है। तो इसको एक वे में हम कैसे लेंगे, ऐसे, तो आप कोई भी गाना इसमें बजा सकते हैं अपने हिसाब से, उस गाने के टेम्पो के हिसाब से। या फिर अगर आप कोई गाना तेज चल रहा है, आपको सिंपल डाउन स्ट्रोक लेने हैं, इतने रिदमिक वे में नहीं लेने, तो आप कुछ भी ले सकते हैं। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुक मस्तानी कब आएगी तू, बीती जाए जिंदगानी कब आएगी तू, डाउन 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 डाउन। ठीक है, कुछ भी जो मैंने बताया वो भी ले सकते हैं, अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज डाउन स्ट्रोक, कि डाउन स्ट्रोक में लें, रिदमिक वे में लें, अच्छे से लें। सेकंड इज, ठीक है, अब ये तीन पैटर्न रहेंगे फिलहाल, सबसे इजी से शुरू करते हैं जो सिंपल है, जैसे डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। ये 4/4 स्ट्रमिंग पैटर्न है, मतलब क्या, 4 बीट्स में कंप्लीट होना चाहिए, 4/4, ठीक है, 4/4, जैसे 1 2 3 4, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप, ठीक है। अब इसको सीखने का तरीका, 1 and 2 and 3 and 4, एंड जैसे एक डाउन स्ट्रोक जाता है, ये हाथ ऊपर आता है ऐसे, जैसे एक डाउन जा रहा है, ये हाथ ऊपर आ रहा है, फिर दूसरा डाउन जा रहा है, ऐसे नहीं है डाउन डाउन, ऐसे नहीं है डाउन, ऐसे ऊपर आ रहा है, मतलब मिस है, डाउन डाउन स्पेस है बीच में, ऐसे डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप। अब अगर हम दो डाउन, मतलब जैसे अप अप डाउन है जो बीच में, उसकी जगह अप डाउन लेना चाहें, तो वो भी हो जाता है। अब अगर हम तीन डाउन स्ट्रोक लेना चाहें, कोई तेज स्ट्रमिंग पैटर्न चल रहा है, ठीक है, उधर तीन लेना चाहें हम, तो वो भी ले सकते हैं, डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप
कोई भी आप इसमें भी मतलब कुछ भी कोई भी गाना चला सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, गाने वाने वो सारा कुछ चलाना। मैं आपको सिर्फ स्ट्रमिंग पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, पॉसिबली इतने बता दूंगा कि आप कोई भी गाना उसमें कर सके। वो आपकी चॉइस है कैसे फिट करना है, सारा कुछ है, कॉर्ड्स आगे पीछे हैं, मेरे ऊपर नीचे हैं, मैं सिर्फ आपको ठीक है स्ट्रमिंग पैटर्न बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा पहला पैटर्न, एक हो गया हमारा ये दूसरा पैटर्न, इसमें भी तीन पैटर्न थे। फिर आया एक और पैटर्न 4/4 स्ट्रमिंग पैटर्न, ये भी बड़ा सिंपल पैटर्न है, इसको भी आप ले सकते हैं, जैसे डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप अप डाउन ले रहे हैं उसकी जगह अप डाउन ले सकते हैं हम। डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप। ठीक है, ऐसे डायनेमिक ऐड करके जैसे डाउन 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 कुछ भी कर सकते हैं आप, यही पैटर्न रहेंगे, ठीक है, मोस्टली आप कहीं भी इस्तेमाल करें, कोई टेंशन नहीं आपको, बस डाउन ऐड करें, वो ऐड करें, वो सारा कुछ। देन इसमें एक और पैटर्न है 4/4 में ही, बड़ी बारी हम लेते हैं, फर्स्ट स्ट्रमिंग पैटर्न भी सीखते हैं। डाउन डाउन अप अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप अप डाउन अप। ठीक है, इसको मैं जी मेजर में बताता हूँ। ठीक है, इसको लेने के दो तरीके हैं, एक है ये रोबोटिक टाइप वाला, जैसे डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। फिर एक ऐसे डोल की टाइप वाला, ठीक है, ऐसे डोल की जैसे बजती है ना रिदमिक वे में, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप। ठीक है, अच्छा चलता down down up up down up down down up
ऐसे डोल की टाइप का और एक ऐसे रोबोटिक टाइप का, उसमें भी हम आगे चक ऐड करके उसको बड़ा ऐसे स्ट्रोक्स ले सकते हैं, मतलब उसमें अच्छे अच्छे स्ट्रमिंग पैटर्न ले सकते हैं चक की वजह से। देन एक आएगा, अभी ये 4x4 चल रहे थे, ठीक है, एक स्ट्रमिंग पैटर्न आपको बताता हूँ 3x4 का, जो मोस्टली 3x4 वाले गाने होते हैं ना बॉलीवुड में या इंग्लिश गानों में कहीं पर भी, तो मोस्टली वही यूज़ होता है 3x4 वाला, वो पैटर्न है डाउन डाउन अप डाउन अप 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 डाउन डाउन अप डाउन अप। सही स्ट्रमिंग पैटर्न है, इसमें कोई ऐसे फिलर वाली टेंशन नहीं है आपको कब कॉर्ड शिफ्ट करनी है, सिंपली ये चलता है ऐसे डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, तो ये आप ले सकते हैं, ठीक है। 3x4 स्ट्रमिंग पैटर्न में पहले मैंने आपको 4x4 बताया, तो मोस्टली 4x4 एंड कहीं कहीं आपको 3x4 कभी कभी दिखेगा, 7x8 ठीक है ये वाले भी यूज होते हैं बीच बीच में, आपको कभी फिर कभी बताऊंगा। एक मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ चक लेने की, ठीक है, उससे आपका और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये वाली चीज़ है ना हमारी पाम, ठीक है, और बड़ी सारी ट्रिक्स होती हैं यार स्ट्रमिंग में, जैसे पाम म्यूटिंग होती है, पाम को यहाँ पे रख दिया और ऐसे म्यूटेड टाइप की साउंड निकाली ऐसे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कभी, अभी हम सिर्फ पैटर्न कर रहे हैं ना, तो पैटर्न के लिए ज़रूरी है ये वाली एक चीज़ सीखना। जैसे ये हमारा पाम है ना, ये वाली चीज़, तो हमने क्या करना है इसमें कि ना ये आप यहाँ प्लेस करना, स्टार्टिंग में यहीं प्लेस करना, इधर नहीं करना क्योंकि नहीं होगा आपसे। जैसे ये आपने यहाँ इसको रख दिया पूरे को, ठीक है, ये वाली चीज़ को यहाँ रख दिया, तो आप ऐसे मारोगे ना स्ट्रिंग पे, ऐसी आवाज़ आनी चाहिए, ऐसी आएगी क्योंकि आपने म्यूट कर दिया सारों को, ऐसे रखा तो ऐसी आवाज़ आएगी। अब आपने क्या करना है कि हमने जब ऊपर से नीचे आना ना, तो ये वाली चीज़ और ये मेरी ये वाली चीज़ इसको जो हिट करनी है, ये इकट्ठे होनी चाहिए एक साथ पूरी ऐसे। अब वो भी मेरी टच हुई वहाँ पे एक साथ, जैसी टच हुई तो उसी वक्त मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है ऐसे, तो ये मेरा हुआ चक वाला। अब इसमें चक में भी हम बड़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे वो वाला स्ट्रमिंग पैटर्न अभी हम कर रहे थे डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन डाउन अप अप डाउन अप, अब उसमें हम सेकंड डाउन एंड फिफ्थ डाउन की जगह चक ले सकते हैं, डाउन चक अप अप चक अप डाउन चक अप अप चक अप डाउन चक अप अप चक अप डाउन चक अप अप चक अप, या फिर डाउन अप चक अप अप चक अप डाउन अप चक अप अप चक अप डाउन अप चक अप अप चक अप डाउन अप चक अप अप चक अप। कुछ भी आप ले सकते हैं, जैसे वो एक अगर आपको लंबा पैटर्न चाहिए इसी में जो मोस्टली बड़े गानों में यूज हो जाए, तो वो भी एक पैटर्न है डाउन अप चक डाउन 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 अप, ये मैंने वहां यूज किया था। कभी कभी अदिति जिंदगी में अभी कोई अपना रखता है, कभी कभी अदिति वो बिछड़ जाए तो एक सपना लगता है, ऐसे में कोई कैसे अपने आंसू को बहने से रोके, और कैसे कोई सोच ले एवरीथिंग्स गोना बी ओके, ठीक है। और बड़े फंकी से पैटर्न है, ठीक है, आप पंपिंग कर सकते हैं, जब जैसे आप बार कॉर्ड्स ले रहे हैं ना, जैसे अगर मैं इसको रिंग ही कराऊं तो ये ऐसे रिंग होता रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको
ऐसे करके ऐसे पंपिंग करूँ, तो उस टाइप से बड़े अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आपको मिल सकते हैं। जैसे एक पैटर्न मैं आपको बताता हूँ, फंकी सा, पुराने ओल्ड जो बॉलीवुड के सॉन्ग्स हैं ना, क्लासिक वाले, उनमें यूज होता है ऐसे। जैसे एक पैटर्न है डाउन डाउन अप अप, अभी वो ऐसे नहीं लेना डाउन डाउन अप अप, उसको ना थोड़ा ऐसे पंपिंग टाइप से लेना। ठीक है, जब हम अप अप ले रहे हैं ऐसे कर रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं कर रहे, ऐसे ऐसे नहीं कर, रिंग नहीं करा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। ठीक है, डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन अप अप। एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी, मेरे एक अजनबी से कोई आगे या पीछे, तुम ही कहो ये कोई बात है। ठीक है, इस टाइप से बड़े सारे और भी पैटर्न है, चक वाले हैं, 7/8 वाले पैटर्न है, अगर आपको कोई भी चाहिए होंगे। ठीक है, सिंपल ही आप डाउन स्ट्रोक में भी गाने कर सकते हो, स्ट्रमिंग पैटर्न में भी कर सकते हो, पाम म्यूटिंग है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊंगा सारी विद सॉन्ग्स एंड विदाउट सॉन्ग्स। तो कैसा लगा आपको लेसन मेरे को ज़रूर बताना, कुछ कहीं मिस हो गया तो वो भी मुझे बताना, अच्छे से मैं आपको नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू वॉचिंग, पुराने वीडियोज़ भी देखें, नए वीडियोज़ को लाइक करें, थैंक यू गाइज़।